श्री नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी ने कहा, इंद्रदेव आपको मालूम है पृथ्वी पर आपका पूजन होता था, अब आपका पूजन बंद हो गया, ब्रजवासियों ने बंद कर दिया। किसके कहने पर? नंद बाबा के छोटे से पुत्र के कहने पर तुम्हारा पूजन बंद कर दिया। इंद्र को क्रोध आया, अपार जलवृष्टि कराई, खूब जल, कहते हैं इतना जल गिरवाया और ऐसी मोटी मोटी बूंदें गिरवाई कि गोवर्धन नाथ जी के पत्थर की शिला पर, पर्वत पर आज भी बूंद के निशान हैं जो इंद्र ने बरसवाई। सोचिए, पर्वत पर पानी की बूंद के निशान हैं तो सांसारिक जीव का क्या हुआ होगा। जब क्रोध बरसता है तो ना जाने कितनों को लेकर चला जाता। क्रोध जब बरसता, क्रोध आया, सोचा अब क्या करा जाए। सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण के पास गए, लाला तूने गोवर्धन नाथ जी का पूजन कराया था, लाला अब बचा ले। कन्हैया कहते हैं ब्रजवासियों, जिसको तुमने अगरबत्ती लगाई, जिसको तुमने धूप बत्ती लगाई, जिसको तुमने दिया लगाया, जिसका तुमने पूजन करा, चलो उसकी शरण में चलते हैं। सारे के सारे उस गिरिराज बाबा की शरण में चले, बाबा गोवर्धन नाथ जी। सारे के सारे गिरिराज बाबा की शरण। सब के सब मिलकर गिरिराज बाबा के चरणारविंद में जाने लगे और बाबा के चरणों में पहुंचकर निवेदन करा है। गिरिराज बाबा से कहा, बाबा जलवृष्टि हो रही है, कृपा करिए। भगवान बोले, गोवर्धन पर्वत में से आवाज आई, कृष्ण मैं हल्का हो जाता हूं, तो अपनी छोटी सी उंगली पर मुझे धारण कर लो। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन नाथ जी को अपनी छोटी सी उंगली पर धारण करा। 7 दिवस बरखा भारी हुई, तब जाकर इंद्र क्षमा मांगने आए और गोवर्धन नाथ जी को भूमि पर रखकर भगवान कृष्ण ने कहा, गोवर्धन नाथ जी, कली में तुम सम देव ना दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा। हे गोवर्धन नाथ, कलयुग में तुम्हारे समान कोई देव नहीं होगा। संसार के लोग आपकी पूजन कर सुख पाएंगे, जो आपकी परिक्रमा लगाएगा, दूध चढ़ाएगा, मनवांछित फल पाएगा। ऐसे मेरे गोवर्धन नाथ जी हैं।